से छत्तीसगढ़ के लगभग 360 श्रमिकों को रायपुर लाया जा रहा है। आज 180 प्रवासी मजदूरों को बेंगलुरु से विमान से रायपुर लाया गया, तो वहीं बचे हुए 180 मजदूरों को कल दोपहर विशेष विमान से रायपुर लाया जाएगा। बता दें कि नालसार हैदराबाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के पूर्व छात्रों की पहल से इन्हें रायपुर लाया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों के लिए इस पहल पर संस्थाओं को बधाई दी है। कर्नाटक में फंसे छत्तीसगढ़ के लगभग 360 मजदूरों को विशेष विमान के जरिए रायपुर लाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट पर, जहां पर लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों के जरिए आहन वाहन की विशेष पहल से मजदूरों को रायपुर लाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ श्रमिक भी मौजूद है, हम इसे पूछना चाहेंगे कि भैया आप लोग कहाँ से आए? हम लोग बेंगलोर से आए। बेंगलोर से आए, अब किस तरीके से तैयारी थी आप लोगों की बेंगलोर से लेकर यहाँ तक आने की? अच्छी यात्रा थी, बहुत अच्छी यात्रा थी। भूपेश बघेल सरकार की पहल से आप लोग फंसे हुए थे कर्नाटक में, रायपुर आए, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री को? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद देना चाहेंगे, पूरी तैयारी ठीक ढंग से की गई थी? बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल नहीं सर। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे पूछने जाएंगे भैया आप कहाँ से आए? बेंगलोर से। बेंगलोर से आए, किस तरीके की तैयारी थी बेंगलोर से लेकर रायपुर तक यात्रा को लेकर? ठीक है, अच्छी तैयारी थी, बहुत ही अच्छा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल से आप लोगों को रायपुर लाया गया, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये वो श्रमिक थे जो एक तरीके से कर्नाटक से फंसे हुए थे, और जो जिन्होंने क्या आप देख सकते हैं कि उनके जो 180 श्रमिक है जो आज आ रहे हैं और बाकी कल 180 श्रमिक आएंगे, उनके लिए जिला स्तर पर बसों की व्यवस्था की गई है। लगभग सभी श्रमिकों को बसों में बैठाया जा रहा है। बलरामपुर की बसें, कोरिया की बसें, जसपुर की बसें हैं, और इसके साथ ही उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि समर्थ संस्था और वी द पीपल संस्था की तरफ से एक अच्छी पहल थी जो मजदूरों को कर्नाटक से रायपुर लाया गया है, और इसके लिए इनकी इस पहल के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें बधाई देते हुए उनका आभार जताया। कैमरामैन श्याम पटेल के साथ शिवम मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।